अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास दो ही एंट्री मौजूद होती है, दैट इज यूपीएससी की सीडीएस एंट्री एंड एफकेट एंट्री। और इन दोनों एंट्री में से आपके लिए कौन सी एंट्री सूटेबल होगी देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये दोनों एंट्रीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए पहले इन दोनों एग्जामिनेशन को अच्छे से जान लेते हैं, जिसके बाद इनको डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे। एफकेट यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो सीडीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इस एग्जामिनेशन के थ्रू ही इंडियन एयरफोर्स पोटेंशियल मैन और वुमेन को सिलेक्ट करती है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद आईएएफ की फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, पर उनकी एज 20 टू 26 ईयर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। इवन फ्लाइंग ब्रांच में भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर उनकी एज 20 टू 24 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एफकेट रिटन एग्जाम में आपको एक ही 300 मार्क्स का पेपर देना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन होते हैं और इस पेपर का टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। पेपर में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफकेट में 45 टू 55% स्कोर करना काफी डिफिकल्ट नहीं होता है, पर एफकेट में हर गलत आंसर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसके कारण कैंडिडेट्स का ओवरऑल स्कोर काफी कम हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एफकेट एग्जाम में 200 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। इसे सेल्फ स्टडी के लिए और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स की टाइम अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल बुक ऑफ एफकेट इन इंडिया, अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अब अगर CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो CDS एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इस एंट्री से कैंडिडेट तीनों सर्विसेज दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, पर कैंडिडेट को एप्लीकेशन फिल करते टाइम हर सर्विस को प्रेफरेंस देनी होती है। और अगर आपको IAF ज्वाइन करना है तो आपको एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस ही देनी होगी, अदरवाइज आपकी एयरफोर्स की प्रेफरेंस इनवैलिड कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि सीडीएस एंट्री के थ्रू एयरफोर्स के लिए बस अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 20 टू 24 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। अगर आप सीडीएस एंट्री के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको टोटल 3 पेपर्स देने होंगे, दैट इज इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स। ये तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और हर पेपर के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। CDS और एफकेट दोनों एंट्री में ही रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को AFSB इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। इसके साथ ही फ्लाइंग ब्रांच के कैंडिडेट्स को मैंडेटरी CPSS टेस्ट को भी क्लियर करना होता है। और लास्ट में मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी दुंदीगल में होती है। और अगर ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करें तो CDS एंट्री और एफकेट एंट्री के फ्लाइंग ब्रांच कैडेट्स और एफकेट के ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच कैडेट्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 74 वीक्स। वही एफकेट एंट्री के ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच कैडेट्स का ट्रेनिंग ड्यूरेशन है 52 वीक्स। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले कैडेट्स को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जाता है इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर। इरिस्पेक्टिव ऑफ एंट्री बेसिक पे सभी ऑफिसर्स के लिए सेम होता है, पर डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच एंड डिप्लॉयमेंट ऑफिसर को मिलने वाले अलाउंसेस में डिफरेंस होता है। चलिए अब इन दोनों एंट्रीज को कुछ पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें कि कौन सी एंट्री आपके लिए सूटेबल है। सबसे पहले अगर आप एक ग्रेजुएट फीमेल एस्पिरेंट हैं तब तो आपके पास एफकेट के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आप एक ग्रेजुएट मेल एस्पिरेंट हैं और आप IAF की कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आपके पास एफकेट एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि CDS एंट्री के थ्रू IAF बस फ्लाइंग ब्रांच की वैकेंसी फिल करता है और IAF द्वारा बाकी ब्रांचेस की वैकेंसीज को एफकेट एंट्री के थ्रू फिल किया जाता है। अब बात करते हैं उन ग्रेजुएट मेल एस्पिरेंट्स की जो IAF की फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसे सभी एस्पिरेंट के लिए दोनों एंट्री में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है टाइप ऑफ कमीशन का, यानी ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर आपको IAF में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा अगर आप CDS एंट्री के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करते हो, और अगर आप एफकेट एंट्री के थ्रू IAF की फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करते हो तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। दोनों टाइप के कमीशन में क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल में जानने के लिए आप हमारी पास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हो। पर एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एफकेट से सिलेक्टेड फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स का शॉर्ट कमीशन ड्यूरेशन 14 ईयर्स होता है, जिसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा CDS एग्जामिनेशन क्लियर करना एफकेट के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। अगर सीडीएस एंट्री की बात करें तो इसके लिए 5 लाख प्लस कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, वही एफकेट के लिए करीब 2.5 लाख कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी पॉइंट्स को समझने के बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि आईएएफ ज्वाइन करने के लिए बेस्ट सूटेबल एंट्री आपके लिए कौन सी होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।